नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत हमेशा से ही प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना रहा है, चाहे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़, झरने और चाहे नदियां हों। सभी किसी न किसी तरह से धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत अहम महत्व रखती हैं। सालों पहले नदियों के किनारे ही पूरे के पूरे गांव बसे होते थे, जिससे आसानी से उनका भरण पोषण होता था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें विकसित हुई, पुरानी चीज़ें आधुनिकता में परिवर्तित होती गई और यही परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्री और सतलुजा आदि नदियाँ बहती हैं। इनमें से कुछ पवित्र नदियों का धार्मिक महत्व भी है, जिनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन इन पवित्र नदियों के अलावा भारत में कुछ श्रापित नदियाँ भी हैं। इन नदियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन श्रापित नदियों को छूने से जीवन में उथल पुथल मच जाती है। आइए आपको इन श्रापित नदियों के बारे में आराम से बताते हैं। सबसे पहले कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी का नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, शायद भूगोल की किताब में, क्योंकि इस नदी के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। कर्मनाशा नदी बिहार के यूपी में बहती है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये नदी बिहार के यूपी को एक दूसरे से अलग भी करती है। इस नदी का पानी कोई नहीं छूता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस नदी का पानी छूता है, उसका जो भी नाम बन रहा होता है बिगड़ जाता है। इसलिए लोग इस नदी के पानी को नहीं छूते। दूसरे नंबर पर बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी भारत के मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। पुराने जमाने से लेकर अभी तक चंबल का इलाका डाकुओं के इलाके में फेमस है। यहाँ पर रात में आना सुरक्षित नहीं है। यहाँ नदी जान पाव की पहाड़ी से निकलती है। ये नदी दक्षिण के माहू शहर, इंदौर, विंध्य, विंध्याचल रेंज में से होकर गुजरती है। चंबल नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। इस बारे में लोगों का कहना है कि ये नदी करीबन सैकड़ों हजारों जानवरों के खून से भरी हुई है। ये बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में जानवरों को राजा शांति देव में मारा गया था, तभी से लोग इस नदी को श्रापित बताते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फल्गु नदी की। फल्गु नदी बिहार के गया जिले की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। हिंदू धर्म में गया को बहुत ही पवित्र स्थल माना गया। यहाँ पर हर साल पिंडदान या श्राद्ध के लिए लाखों लोग पहुँचते, लेकिन ये नदी श्रापित मानी जाती है। लोगों का कहना है कि इस नदी को माता सीता ने श्राप दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे कोसी नदी की। कोसी नदी भी बिहार की फेमस नदियों में से एक है। ये सबसे पहले नेपाल में हिमाचल से निकलने वाली नदी सुपेल, पूर्णिया, कटिहार आदि जगहों से बहती हुई फिर कोसी राजमहल के पास गंगा नदी में मिल जाती थी। बिहार की इस नदी को शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी बाढ़ आती है तो करीबन हजारों लाखों लोग इससे बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। कई परिवार उजड़ जाते हैं। इन लोग इन नदी को श्रापित मानते हैं।